मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात पूर्व पालिका चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी की। उनके यहां पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री मौलाना जावेद आब्दी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं कुरैश बिरादरी की समस्याओं का निस्तारण करने पर प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री महबूब अली पर जोर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही हाजी इकरार अंसारी ने नौगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया और वह सपा का टिकट हासिल करने में कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव के कारणों से हाजी इकरार अंसारी का टिकट कट गया और मौलाना जावेद आब्दी को नौगांव से प्रत्याशी बनाया गया। हाजी इकरार ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी वफादारी के साथ मौलाना आब्दी और महबूब अली का चुनाव लड़ाया। उन्होंने नौगांव नई बस्ती में शिया सुन्नी की हवा को भी नहीं चलने दिया। ये अलग बात है कि मौलाना आब्दी 76,000 मत लेने के बाद भी हार गए और महबूब अली 15,000 वोटों से अमरोहा से विधायक बने। टिकट कटने का जरा भी एहसास हाजी इकरार अंसारी को नहीं हुआ और सपा के दोनों प्रत्याशियों का ईमानदारी से उन्होंने चुनाव लड़ाकर उनको जीत तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मौलाना जावेद आब्दी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के यहां पहुंचे हाजी इकरार अंसारी ने कुरैश बिरादरी के लोगों की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाया और पूर्व मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात, वसीम कुरैशी, पूर्व सदर हाजी शमीम कुरैशी, अन्नू अंसारी, जायद अंसारी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैश की रिपोर्ट।